हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के सेकंड फेज़ के लिए हम एक बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि है वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक रेलवे के लिए स्पेशल, जो कि बहुत अच्छी बुक है रेलवे के लिए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। और इस बुक के सॉल्यूशन में हम अभी जो हमारा पार्ट चला हुआ है वो चला हुआ है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर हम एक पार्ट कर चुके हैं जिसके अंदर हम डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं। आज सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि इस बुक के अंदर दे रखे हैं, संख्याओं पर आधारित विशिष्ट पर्सन। तो वही क्वेश्चन हम देखते हैं, टाइप सेकेंड है यहाँ पर इस बुक के अंदर, और टाइप सेकेंड में क्वेश्चन नंबर वन दे रखा है कि तीन क्रमागतम विषम संख्याओं का योग, उनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो तीन क्रमागत हमें विषम संख्याएं दे रखी हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई तीन क्रमागत विषम संख्याएं बताइए, तो आप बोल दोगे कि भाई एक भी हो जाएगी, इसके बाद में हो जाएगी हमारी तीन, और इसके बाद में हो जाएगी पाँच। ये हमारी तीन विषम क्रमागत संख्याएँ हैं। तो इन तीन संख्याओं से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी पहली संख्या होती है उससे जो अगली विषम संख्या होती है दो के डिफरेंस के बाद होती है, इससे जो अगली विषम संख्या होगी तो वो इससे दो ज़्यादा होगी। यानी कि अगर मैं पहली संख्या x मान लूँ, पहली विषम संख्या, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी x प्लस टू, तो तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी इससे भी दो ज़्यादा x प्लस फोर। इतनी सी बात है बस। और कह रहा है कि इन तीनों का जो योग है पहली संख्या से 20 अधिक है, अगर हम इन तीनों को जोड़ने लगे तो योग क्या आ जाएगा हमारा 3x प्लस 6। और ये जो योग है ये पहली संख्या से कितना अधिक है भैया, 20 अधिक है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना अधिक है, 2x प्लस 6, और यही वैल्यू क्या दे रखी है 20। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दर्जा कर 14, 7 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 7 आ जाएगी तो हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 4, यानी कि 7 प्लस 4 यानी कि 11। तो आपका 11 इस क्वेश्चन के लिए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे भाई बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3/11, इसको रफ कर देते हैं भैया, समझने वाली सी चीज़ यही थी इसमें कि अगर पहली x होगी विषम संख्या तो उससे नेक्स्ट क्रमागत कंटिन्यूअस दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी इससे भी दो ज़्यादा यानी कि x प्लस 4 हो जाएगी। और फिर आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था ऐसा कि जिस पे टाइम लिया जाए। नेक्स्ट है, यदि 3/11 छोटा हो x बटे 3 से और ये छोटा हो 7/11 से, तो हमें बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ हमारे जो हर हैं ये अलग अलग हैं, इन हर को हम इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ भी 3 से हो जाएगी, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ भी 11 से हो जाएगी, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ भी 3 से हो जाएगी। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3 × 9/11 = 33 छोटा होगा 11x/33 से, ये छोटा है 21/33 से। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि यहाँ से 11x की जो भी वैल्यू होगी वो 9 और 21 के बीच होगी। तो अब बाई ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है x की वैल्यू 0.5, अगर x की वैल्यू 0.5 रखते हैं तो 11x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 यानी कि 5.5। अगर 5.5 हो जाती है तो वो वैल्यू तो इससे इधर आएगी, तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए जो 9 और 21 के बीच में हो। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1, तो 11 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 हमारी संख्या ऐसी है जो 9 और 21 के बीच में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसके लिए ठीक हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 आएगी। नेक्स्ट है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल लिखने से किस संख्या के हमेशा विभाज्य होगा। अगर 4 क्रमागत कोई भी संख्या ले रखी है तो आप भी ले लो भैया कोई भी 4 क्रमागत संख्या, और इजी से इजी से ले लो, तो 1 × 2 × 3 × 4 चार क्रमागत संख्या, 4 × 12 = 24। तो 4 क्रमागत संख्याओं का
गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होगा? 24 से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन कम ही है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, बहुत ही कम क्वेश्चन दे रखे हैं। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक हो, तीन हमारे नंबर हैं, पहला नंबर मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः, यानी तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या इससे 25% ज़्यादा यानी कि 125 हो जाएगी, दूसरी संख्या इससे 50% ज़्यादा यानी कि 150 हो जाएगी। पहली और दूसरी का रेशो पूछ रहा है, तो 25 पंजे 125 और 25 छक्के 150, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ही ठीक हो जाएगा इसके लिए, 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं हैं कि इनमें अटका जा सके, बहुत इजी क्वेश्चन है। तीन क्रमागतम विषम पूर्णांकों में से पहली का तीन गुना, तीन क्रमागतम विषम पूर्णांक है, तो अगर पहली क्रमा संख्या विषम होगी x, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी? x प्लस 2, और तीसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 4, तीन क्रमागत ये विषम संख्याएं होगी। और इसमें कह रहा है कि पहले का तीन गुना, यानी कि पहले का तीन गुना तीसरे के दो गुने से, तीसरे के दो गुने से तीन अधिक है, तीन अधिक है, यानी कि ये इक्वल हो गया आप इसमें, तो 3x = 2x + 4 × 8 और प्लस 3, एक्स इधर आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 11। अगर x की वैल्यू 11 आ गई तो पूछ क्या रहा है इसमें हमसे? तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? 11 और 4 = 15, तीसरा पूर्णांक हो जाएगा हमारा 15, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं? तो ऐसे हमें अंक बताने हैं जो 99 तक की संख्या में दहाई का अंक जिनमें आता है, तो हमें पता है 99 तक हमसे पूछ रहा है और 9 तक कोई भी दहाई का अंक आता नहीं है, तो 9 इसमें से कम कर दो तो 90 ऐसे अंक हो जाएंगे जिनमें दहाई का अंक आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से ऐसे ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं जो थोड़ी देर में आपके हुए जा रहे हैं। श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में, 12, 19, 26, 33 और ये मैं दसवीं संख्या हमें बतानी है कि दसवीं संख्या क्या होगी, दसवीं संख्या क्या होगी, तो दसवीं संख्या क्या होगी भैया? कि पहली संख्या प्लस दसवीं संख्या बोल रहा है, तो इससे एक कम यानी कि 9 और इनका डिफरेंस यानी कि कितना हो जाएगा? गुणा 7, 9 × 7 = 63 और 12 = 75, तो संख्या क्या हो जाएगी? 75 हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब कुछ सोच रहे होंगे कि कैसे कर दिया, अब इसको थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। तो मेरे दोस्त, मैं एक छोटी सी आपके सामने जानी पहचानी सी ना एक सीरीज रखता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, ये जानी पहचानी सी आपके सामने एक सीरीज रख दी, और मैं ये बोलने लगूँ कि इसमें टोटल कितने हमारे पद हैं, तो आप बोलोगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद हैं। मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात भाई, मैं बोलूँगा कि पांचवे पद तक इनके बीच में कितने गैप हैं, तो आप बोलोगे कि एक गैप तो यहाँ है, दूसरा गैप यहाँ है, तीसरा गैप यहाँ है और फोर्थ गैप यहाँ है, यानी कि 4 गैप हैं। अगर टोटल संख्या हमारी 5 है तो गैप कितने हो जाएंगे? 4, और सारे गैप इक्वल होंगे, यानी यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है और यहाँ भी 2 का गैप है। तो यहाँ से हमने नानी जी की कहानी से सीख क्या ली इस यहाँ से, कि अगर किसी कोई सीरीज इस तरह से दे रखी है कि उनके बीच में समान अंतराल है, जैसे 2 का अंतराल यहाँ है, 2 का यहाँ है, 2 का यहाँ है, 2 का यहाँ है, तो जितने भी पद दे रखे होंगे उससे एक कम गैप होगा, उससे एक कम गैप होगा। अब हमसे कहने लगे कि इसमें पांचवा पद क्या होगा, तो हमें पता है कि 2 के बाद में कितने गैप हो गए?
टोटल कितने पद हैं, पाँच, चार, ओ पाँच हैं, तो गैप कितने हो जाएंगे, चार गैप हो जाएंगे, और हर एक गैप में कितना अंतर है, दो का, तो ये आ जाएगा हमारा दो प्लस चार और दो, चार दूनी आठ, आठ और दो दस, तो हमारा जो ये दसवा पद हो, पांचवा पद होगा वह क्या आ जाएगा हमारा, दस आ जाएगा। सेम खेल यहाँ खेलेंगे कि दसवीं संख्या पूछ रहा है, अगर दसवीं संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब कि कितने गैप होंगे, जितनी संख्या होंगी उससे एक कम गैप हो गए, तो दसवीं संख्या पूछ रहा है तो गैप कितने हो जाएंगे, नौ गैप हो जाएंगे, और एक गैप के अंदर कितना डिफरेंस है, तो आप बोलोगे कि सात का डिफरेंस है, तो जो दसवीं संख्या होगी वो बारह से नौ गैप पर होगी, और हर एक गैप में कितना अंतराल है, सात का डिफरेंस है, तो 12 से 9 गैप की दूरी पर और हर गैप में 7 का डिफरेंस है, तो कितने आ जाएगी हमारी 75, तो दसवीं संख्या क्या आ जाएगी, 75, सिर्फ इसी तरह से याद रखना है हमको। वैसे तो इसके लिए फॉर्मूला भी है, क्योंकि ये जीपी है हमारी, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए क्या है यहाँ पर, सबसे पहला पद, एन क्या है, जितने नंबर हमसे पूछ रखे हैं, डी क्या है, इनके बीच का गैप, ये ही मैंने इस तरह से लिख दिया बस, कि भाई अगर हमसे दसवीं संख्या पूछता है तो पहली संख्या से दसवीं संख्या कितनी दूर होगी, नौ संख्या दूर होगी, और हर एक संख्या के बीच में कितना डिफरेंस है, सात का डिफरेंस है, तो पहली संख्या से नौ संख्या दूर होगी और हर संख्या के बीच में सात का डिफरेंस है, तो कहाँ पहुँच जाएगी हमारी, 75, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 75 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, जैसे एक क्वेश्चन चलो इसी पे कर लेते हैं कि एक हमारी कोई भी श्रृंखला दे दी, 7, 14, 21 और इसी तरह से बढ़ रही है, और हमसे पूछने लगे इसमें कि 15वां पद बताइए कि 15वां पद क्या होगा, 15वां पद, तो क्या काम करेंगे कि पहले पद से कितनी दूर, 15वें पद तक कितने गैप हो जाएंगे, टोटल 14 गैप हो जाएंगे भैया, और एक गैप में डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है, तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 98 और प्लस 7 यानी कि 105, तो 15वीं संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 105, यानी कि पहली संख्या 7 से 14 गैप की दूरी पर होगी और हर एक गैप कितने का है, 7 का है, तो हमारी क्या हो जाएगी संख्या, 105 हो जाएगी, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि यदि परिमेय संख्या 4 बटे माइनस 9 दूसरी क्या दे रखी है, माइनस के 7 बटे 18, तीसरी क्या दे रखी है, माइनस के 5 बटे 6, और फोर्थ नंबर पे क्या दे रखी है हमारी, माइनस के 2 बटे 3, और ये क्या है, किस तरह से रखने हैं, आरोही क्रम में रखने हैं, आरोही क्रम का मतलब है कि घटते हुए क्रम में रखने हैं, बढ़ते हुए क्रम में रखने हैं, अवरोही होता है घटते, अगर बढ़ते हुए क्रम में रखने हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, तो इसमें हमें सबसे छोटी ही बतानी है कि सबसे छोटी क्या होगी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 9 है, यहाँ 18, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो क्या हम इन्हें इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इक्वल करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दूँ तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगी, यहाँ 18 है क्योंकि सारे हमें 18 बनाने हैं, यहाँ 6 3 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ 6 से गुणा तो यहाँ भी 6 से गुणा, तो हमारी जो नई फ्रैक्शन आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 8/18 माइनस के 7/18 माइनस के 15/18 माइनस के और 12/18 माइनस के, और माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो ही सबसे छोटी संख्या होती है, तो सबसे बड़ी क्या है, 15 और माइनस है, तो इसका मतलब इन सारी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ये है, और तो सबसे छोटी संख्या 15/18 रिप्रेजेंट किसे कर रही है, माइनस के 5/6, तो जो सबसे पहले रखी जाएगी वो कौन सी रखी जाएगी, माइनस के 5/6, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, इसमें सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रेणी 7, 14, 21, 28 में कितने पदों का योग 952 होगा,
यानी कि 7 + 14 + 21 + इसी तरह से चलता जा रहा है, और इनका जम समझो कितना होगा, 900 कितना दे रखा है मेरे दोस्त, 952। तो कितने पदों का होगा, मान लेंगे n पदों का, समझो 952 होगा। अब इसके लिए भी पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मैं कहने लगूँ आपसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इनका सम मुझे बता दीजिए कि इनका सम क्या होगा। तो आप कहोगे कि बड़ा ईजी है, इनको सिर्फ जोड़ना ही है, 2 × 1 = 3 × 3 = 6 × 4 = 10 × 5 = 15। तो हम बता देंगे कि इनका सम 15 होगा। फिर मैं कहने लगूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 और इसी तरह से चले जा रहे हैं, और बताइए कि 100 इसका सम क्या होगा। तो आप क्या होगा कि थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस तरह से, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसके लिए एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि हम एक से लेकर लगातार किसी भी नंबर तक किसी सीरीज़ का हमको सम करना है, तो वो क्या होता है, लास्ट नंबर गुणा इससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 6/2। या इसी फॉर्मूला को क्या कह देते हैं, n n+1/2। लगातार संख्याओं के सम के लिए यूज क्या करते हैं, n n+1/2। तो यहाँ से अगर मैं इस सब से मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1+2+3+4 और कहाँ तक मेरे बच्चे, n तक, और ये बराबर हो जाएगा 952। अब ये हमारी जानी पहचानी सीरीज हो गई, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई भी सीरीज n नंबर तक जाएगी तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, n n+1/2। तो इसकी जगह मैं रख सकता हूँ 7 ऐसा कैसे, n n+1/2 = 952। 7 से काट दो भैया, 7 × 7 = 2, 7 × 21 = 4, 7 × 6 = 42। इसकी गुणा इधर होगी तो n n+1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 272। अब बाई ऑप्शन उठा लेते हैं n की वैल्यू। अब पहला ही ऑप्शन है 16, तो n की जगह अगर हम 16 रखते हैं तो 16 और गुणा 17, अगर इनकी गुणा 272 के बराबर आ गई तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 ही आ जाएगी। करते हैं 16 × 7 = 112 = 11, 16 × 16 = 11 = 27, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 16 आ जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे भैया। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीख लिया मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन से हमने ये सीख लिया कि अगर एक से शुरू होकर n नंबर तक हमें सम करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n n+1/2, ये उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो क्रमागत संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो क्रमागत संख्या है, तो अगर पहली संख्या मैं x मान लूं, दूसरी क्या हो जाएगी, x+1। क्रमागत का मतलब यही तो कि पहली संख्या 1, 2, 3, 4 ये क्रमागत ही तो एक के बाद 2 लेके आनी है तो +1 करना पड़ेगा। तो ये x है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, x+1। तो दो क्रमागत संख्या होगी और इनमें कह रहा है कि पहले अंक का 3 गुना यानी कि इसका 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से, इसके 2 गुने से कितना अधिक है भैया, 5 अधिक है। कर दो भैया एक बार, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x = 2x + 2 + 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो हमसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, संख्या ही पूछ रहा है। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, पहली संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 और 8। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि 6 + 11 + 16 + इसी तरह से हमारी बढ़ती हुई गई हैं और कहाँ तक, 71 तक,
और इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था वो तो लगातार संख्या के लिए था कि अगर लगातार संख्या है एक से शुरू होकर तो n, n प्लस वन अपॉन टू कर देंगे, लेकिन यहाँ तो लगातार नहीं है भैया, यहाँ तो छः से शुरू हो गई और इनके बीच में गैप देख रहे हैं तो ये क्या है, इसके पाँच का गैप, यहाँ भी कितना गैप है, पाँच का गैप, यानी कि ये हमारी एक जी पी हो गई, ए पी हो गई, जी पी नहीं ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि जब इनके सम की बात आती है ना तो ये और कुछ भी नहीं है, एवरेज का एक बिगड़ा हुआ रूप है, और इस बिगड़े हुए रूप को कैसे सुधारेंगे वो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एवरेज यहाँ देख लेते हैं। वैसे तो इसके लिए फॉर्मूला भी है लेकिन मैं थोड़ा बिना फॉर्मूला के आपको कराना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप देख लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि दो चार छः आठ दस, मुझे आप इसका ये बता दीजिए कि सम टोटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे कि बड़ा इजी है, जोड़ देते हैं भाई, चार और दो छः और छः बारह और आठ बीस और दस तीस, तो आप बता दोगे कि तीस हो जाएगा। फिर मैं बोलने लगूँ कि यार कोई और तरीका है, तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल है, अगर कोई इस तरह की सीरीज हमें दे रखी है और हमसे इस तरह की सीरीज में कोई हमसे एवरेज निकलवाए, तो एवरेज हमेशा क्या होता है, जब भी कोई ऐसी सीरीज दे रखी हो जिनके सारे ही पदों के बीच में इक्वल डिफरेंस हो और उसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है, लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट यानी कि 10 प्लस 2 और अपॉन 2 कर देंगे, यानी कि लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट अपॉन 2, और ये क्या आ जाता है हमारा एवरेज आता है, ये क्या आ जाता है एवरेज। तो अगर मैं इस सीरीज के एवरेज की बात करूं तो एवरेज कितना आ जाएगा, 10 और 2 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6, ये दूसरे उसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये नंबर ओड है, जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब है कि ओड है, तो बीच वाली संख्या हमेशा एवरेज होती है, और अगर निकालना हो एवरेज तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2 कर देंगे। और हमें पता है एवरेज के लिए कि अगर एवरेज के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर तो वो हमेशा हमारा सम ऑफ नंबर आता है, सम ऑफ नंबर आता है, कहाँ से जी, तो बच्चा भी जानता है इस चीज़ को कि औसत होता क्या है हमारा, तो औसत होता है हमारा कुल योग अपॉन कुल संख्या, बस इतनी सी बात है, कुल संख्या। तो अगर इस कुल संख्या की गुणा हम औसत के साथ कर दें तो हमारा सम आ जाएगा, तो यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे कि हमारा औसत कितना आ गया, एवरेज कितना आ गया, 6, इसका एवरेज कितना आ गया, 6, कैसे निकाला, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2, तो एवरेज आ गया 6। फिर 1 2 3 4 5 टर्म हैं तो 5 टर्म से इससे गुणा कर दिया तो आ गया हमारा 30। तो हम इस तरह से ना जोड़ के इस तरह से भी कर सकते हैं कि एवरेज निकाल लेंगे और फिर टोटल टर्म जितनी भी है उससे यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमारा सम आ जाएगा किसी भी सीरीज का, लेकिन किस सीरीज का, जिसमें डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। अब आप यहाँ इस सीरीज को देखिए, इस सीरीज में भी तो यह हो सकता है भैया कि एवरेज पता लगा लें और टोटल टर्म पता लगा लें, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सम आ जाएगा, क्योंकि बीच में डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो एवरेज कैसे निकाल लेंगे, अभी मैंने बताया लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म यानी कि 71 प्लस 6 और अपॉन 2, तो यानी एवरेज आ गया 77 अपॉन 2। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं हमको, 77 अपॉन 2 एवरेज आ गया, लेकिन इसमें 71 तक टर्म कितनी होंगी वो हमें निकालना है, और टर्म निकालने के लिए क्या काम करते हैं कि लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 71 से पहली टर्म को घटा देंगे और बटे में कर देंगे जो इनका डिफरेंस है, और डिफरेंस कितना है इनका, 5, और प्लस 1 अपने तरफ से, तो 71 में से जब 6 जाएंगे तो 65 और बटे 5 और प्लस 1 यानी कि 13 और 1 14, तो टर्म कितनी आ गई इसमें, 14।
एवरेज कितना है 77, कर दो भैया मल्टीप्लाई, 7 × 77 = 9 × 77 = 9 = 53। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 539। समझाने में टाइम लगा है, वैसे कुछ नहीं है, जब भी इस तरह की सीरीज दे रखी हो हमेशा ध्यान रखना एवरेज जो होगा वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो हमेशा लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस और प्लस वन, ये आप ध्यान रखना, फिर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है इस टाइप के क्वेश्चन में। रफ कर देते हैं भैया इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त अपना। यहाँ पर ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 11, 17, 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि 11 है, 11 के बाद क्या है हमारा 17 है, 17 के बाद क्या है हमारा 23 है, और कौन सा पद ज्ञात करना है हमें, 12वां पद। अभी मैंने ये बताया था कि जब भी पद ज्ञात करना हो तो जो भी 12वां पद होगा वो पहले पद से 11वें से कितने टर्म दूर होगा, 12वां पद है तो 11 टर्म दूर होगा, और एक टर्म में डिफरेंस कितना है हमारा, 6 का डिफरेंस है गुना 6, यानी कि आंसर आ जाएगा 77। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टाइप इसके ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है प्राइम नंबर से रिलेटेड, तो नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।